कर रहे हैं एंड अभी भी अगर यहाँ पे बात की जाए टीम ग्लोबल देखिए एक छोटा सा इनको कंटेनर मिल चुका है उसके अंदर यहां पे प्लेयर्स आपको दिख रहे हैं स्मोक करा जा रहा है क्योंकि जोन के बाहर है यहाँ से जोन में एंट्री अगर उनको लेनी है तो थोड़ा सा बचना पड़ेगा क्योंकि रिवेंज की टीम उनके लेफ्ट एंड साइड पर दूसरे आइलैंड पे, पे है। साथ ही राइट एंड साइड पर आपको टीम सोल भी दिख रही है टीम एनिकमा भी दिख रही है तो एंट्री इतनी तो आसान नहीं होने वाली

क्या यहां पे किसी को स्पॉट कर पाएंगे देखिए नंबर्स गेम का एडवांटेज तो उनके पास है लेकिन जोन का एडवांटेज उनके पास नहीं है थोड़ा सा और आगे जाना है छह मीटर का यहाँ पे सफर है स्लेयर यहाँ पे गए जरूर है बट ओपन में से ही जाना पड़ेगा खड़े होकर ही जाना पड़ेगा और वहां पर नौकर प्लेयर नजर आए इ्ल स्पोर्ट के फियर सब आखिरी प्लेयर बचे हैं सामने है आतंकी It's going to be one one. लेकिन एक एडवांटेज यहाँ पे आतंकी के पास स्पॉट कर सके फियर्स को तो पोजिशन यहाँ रिवील करा सकते हैं शॉर्ट देने की कोशिश स्लेयर को शॉर्ट भी यहाँ पे जरूर देते हुए की आतंकी, one -one को कोई अंदाजा नहीं है प्लेयर का है आतंकी को फिर भी मेरे ख्याल से पता है कि प्लेयर कहाँ एक सप्रेसर लगा हुआ है तो वो हेल्प कर रहा है बट एक जनरल आइडिया है कि कौन सी डायरेक्शन से यहाँ पे शॉर्ट आ रहे हैं स्लेयर को खत्म कर दिया जाता है फियर्स के द्वारा एक वन वी वन बैटल टू चैंपियन प्लेयर्स आतंकी fierce, कौन बनेगा पे पहले मैच में चैंपियन जरूर यहाँ पे देखेंगे देखिए दिखे, ये ये बहुत काम आया के के अगर ये suppressor ना होता I'm sure इनकी position पे रिवील हो जाती आई एंड अभी भी होल्ड कर रहे हैं देखिए ये एक कैटन uh, माउस का बैटल है हाइड एंड सिक का बैटल है जो पहले स्पोर्ट करेगा उसके पास एडवांटेज आएगा वो यहाँ पे जीत जाएगा डिनर एंड मेरे ख्याल से डैमेज भी दिया यहाँ पे क्या चिकन डिनर मिलेगा ग्लोबल स्पोर्ट्स को जी नहीं डैमेज जरूर दिया बट अभी भी वो सप्रेसर यहाँ पे उनके काम आता है जी यहाँ शॉर्ट देते हुए एंड शानदार चिकन डिनर यहाँ पे लेके गए लो